पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे से पहले इस बात को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस एनआरसी और सीएए का भारी विरोध कर रही है। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आज कोलकाता में राजभवन में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से ये कहा है कि बंगाल के लोगों को एनआरसी और सीएए स्वीकार नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वो यहाँ दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें इस पर बात करनी है तो वो दिल्ली आए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। आपको बता दें, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर और राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। नागरिकता संशोधन कानून के चलते छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे का विरोध किया है। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।